आवाज जेका आहे उहो पाण दॿाईंदासीं ऐं या उनखे इहो जेको आहे पंहिंजी कम्युनिटी जेको आहे उनजो आवाज़ु पाण दॿाईंदासीं जहिड़ो उनजे लाइ पाण हिकिड़ी उनजे लाइ ज़्यादती कयूं पिया। हमारा जो एरिया है बहुत गरीब एरिया है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता या स्कूल में नहीं भेजा जाता, तो इस कारण की वजह से जो है यहाँ पर जो अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के जो केसेस है वो ज़्यादा होते हैं। स्कूल भी है गम लेकिन नहीं पढ़ाते कि लड़कियों को जरूरी नहीं पढ़ना, क्या करेगी लड़कियां पढ़कर, उसे घर का काम सीखना चाहिए। नंढी उम्र में शादी थी है ना, तो उनकी जो सेहत है उनके तमाम घना मसला हूँ, अवा भी दिखो हों पाड़ी जो छोकरियों या औरतूँ वो तमाम घणी कमजोर हैं। साल थी लेकिन मेरी शादी की बात हो रही थी, वहाँ से बात है कि हमें शादी करवा दो बस यही, तो मेरे अम्मी वाले भी राजी, उन्हें नहीं पता था कि क्या मसाइल होते क्या नहीं, बस बेटियों का एक बोझ समझते थे कि बस इसकी शादी करवा दो बस और कुछ नहीं। लेकिन ये इधर आया, जैसे ही आया इसने हमें समझाया कि इससे क्या मसाइल होते हैं और क्या नहीं। केयर इंटरनेशनल इन पाकिस्तान और कम्युनिटी वेल्थ सर्विस एशिया एवरी वाइस काउंट प्रोजेक्ट को 2018 से टू डिस्ट्रिक्ट सिंध के टू डिस्ट्रिक्ट उमरकोट और मीरपुर खास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनकी खास तौर पर औरतों की फैसला साजी में शमूलियत हो सके और जो प्रो वुमेन लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। हमारे गांव में एक प्रोजेक्ट आया तो उन्होंने कहा कि हम आपके गांव में काम करना चाह रहे हैं, ईवीसी है। एवरी वाइज काउंट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 3 लेवल पे एंगेजमेंट्स थी हमारी, जिसमें कम्युनिटी लेवल पे एंगेजमेंट्स थी और सिविल सोसाइटीज के साथ काम किया है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ। ईवीसी प्रोजेक्ट के तहत हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, लोकल गवर्नमेंट ऑफिस से और जितने भी मजहबी यहाँ पे रहनुमा हैं वो चाहे मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, उनके साथ और सिविल सोसाइटी के साथ इस इशू के खात्मे के लिए कि जो अर्ली चाइल्ड मैरिज का इशू है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए हमने यहाँ पे काम किया। पान अब नंढी उम्र में शादी किया, उन वक्त मुझी उम्र हुई तकरीबन 14 साल ऐं मुंहिंजी घरवारी जेको उमिरि हुई उनजी तकरीबन 13 साल इहो ई उमिरि हूंदी। असां ॿई जेको आहे ना सम्झ हुआसीं, असांखे पाण खे इहा ख़बर कोन हुई त शादी छा आहे छा कोन, माना हिकिड़ी क़िस्म जी शादी त थी वई जहिड़ो असां सां गॾु बि ज़्यादती थी आहे। सिंध गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल एक्ट पास किया है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट 2013 में। इस हवाले से काफ़ी ट्रेनिंग सेशंस भी रखे गए थे ऑफिसर्स के, सिविल सोसाइटी के और ग्रुप वर्किंग ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे जो विलेज लेवल पे भी थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी थे। तो उन ग्रुप्स की वजह से एक अच्छा मैसेज गया है। एवरी वॉइस काउंट्स में इंक्लूसिव गवर्नमेंट और लीडरशिप पे भी एक ट्रेनिंग करवाई गई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो रेवेन्यू है, लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके अलावा सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं वर्किंग, उन सब की एक ट्रेनिंग भी करवाई गई थी। पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग कराई गई है और उनको सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट के हवाले से उनके जो सेक्शंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और कैसे उनको FIR कैसे दर्ज करनी है, कौन से सेक्शन उसमें इन्वॉल्व करने हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे उनको आगे उनको केस कैसे प्रेजेंट करना है अपना, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई थी। कम्युनिटी स्कोर कार्ड एक ऐसा टूल है जिसमें कम्युनिटी और गवर्नमेंट साथ में बैठकर कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि किन इश्यूज़ पे किस तरह काम किया जाए और साथ में एक एक्शन प्लान डेवलप होता है उनके हल के लिए कि किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं इश्यूज़। तो ये एक ब्रिज का काम अदा करता है जो ये कम्युनिटी स्कोर कार्ड है। हमने इसमें उमरकोट और मीरपुर खास दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में कम्युनिटी स्कोर कार्ड का रोल आउट किया कम्युनिटी और गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें उन्होंने एक्शन प्लान डेवलप किए जिन पे बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आई। अदी रानी ता अगे कमजोर आए ई हाणी अलाए केड़ी हाल में हुंदी। मधिया तू चुप कर, तवा के केड़ी खबर, अदा पीरू तू परेशान ना थी। अशोक जो इसका स्टैंडिंग कम्युनिटी का मेंबर था ना, वो हमारे घर आया कि आपकी बच्ची पढ़ रही है, अगर आप हमारे साथ अगर काम करना चाहो तो क्या आप काम करोगे। तो मैंने कहा था, पहले मैंने जाना कि ये क्या है क्या नहीं है, फिर इन्हें बोला कि छोटी उम्र में शादी और लड़कियों की तैलीम, फिर मैंने कहा सही है, ये तो हमारे गाँव में बहुत हो रहा है ना,
लड़कियों को तैलीम नहीं मिल रही है, ऊपर से छोटी उम्र में शादी भी की जा रही है। तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। मेरे चाचू ने उसने कहा नहीं, लड़कियों को ये ऐसे थिएटर बनाना और उनके घरों में जाना ये अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने ना हमें मना कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने अब्बू को और भाई को इनको समझाया कि ये कोई भी गलत काम नहीं, हम एक भलाई के लिए करें ना लड़कियों को तैलीम। क्या पता हमारे अगर एक लड़की को तैलीम मिलती है ना तो भी हमें उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो इसी वजह से मैंने थिएटर ज्वाइन किया, फिर हमारी परफॉर्मेंस। तबीयत खराब आए असाजी तवा के खबर आए ना फसल आए आई ना ही को ढोर आए मल ही बचड़ो जड़ो आवा जो एड़ो ही असा जो भला आऊं आवा जी केड़ी मदद करी सका तो पर अदा नंडी उम्र में शादी कण कानूनन जुर्म आए मु मुझे वडे भा बुदायो पो आऊं उन थिएटर में शामिल थेस आई मु जेको वो जो थिएटर ईवीसी वारन जो डिठो आई तमाम जबरदस्त मौके लगो आई आऊं भी मौके भी दिल में ख्वाहिश हुई थे आऊं बेन जो एकड़ो हिस्सो बण्या। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने 100 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखे हमारे वॉलंटियर मेंबरान ने, और इसके अलावा हमारी जो 8 पैनल डिस्कशन रहे एफएम रेडियो पर, और 40 से ज्यादा हमारी जो है वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस रेडियो के थ्रू चलते रहे, जो कि 80 किलोमीटर के सराउंडिंग में जितनी पॉपुलेशन है उसको वो कवर कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में हमने वुमेन 300 वुमेन आर्टिसंस को ट्रेन किया डिफरेंट स्किल्स में, जिसमें उनकी मतलब एप्लिक वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क और जो ब्रांड्स पाकिस्तान की मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनकी जो डिमांड है मॉडर्न स्टिचेस के ऊपर हमने उनको ट्रेन किया। शांति लाल मन बुद्धाई हूँ भाई सिलाई सेंटर सीखी वहाँ तो सीखी आओ पसंद में था छोकरियन घणिया जणियन सिखाड़ी मार गोठरी छोकरी वो जहाँ जहाँ पे भी आइडेंटिफाई होती थी कि छोटी उम्र की बच्ची की या बच्चे की शादी हो रही है तो पुलिस और मॉनिटरिंग कमेटी मिलके उस एरिया में जाते थे और उमरकोट में इस मॉनिटरिंग कमेटी और इस सारी मूवमेंट की वजह से काफ़ी केस भी रजिस्टर हुए हैं, जिसकी वजह से अब उमरकोट में हम समझते हैं कि छोटी उम्र की शादी का रेशो जो है वो काफ़ी कम हो गया है। एवरी वाइज काउंट में जो अचीवमेंट्स रही हैं हमारी, तो कम्युनिटी लेवल पे जो अचीवमेंट्स हैं जितनी भी हमने अवेयरनेस रेजिंग की है थ्रू थिएटर परफॉर्मेंसेस, वीडियो स्क्रीनिंग इवेंट्स, सेमिनार्स, तो उसके रिजल्ट में जो 115 चाइल्ड मैरिजेस पोस्टपोन्ड हुई हैं और 599 गर्ल्स इनरोलमेंट हुई है। अगर मैं आउटरीच की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में हमने जो कम्युनिटी के साथ जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें मोर देन 20,000 बेनिफिशरीज के साथ हमने काम किया है। अगर मैं इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज की बात करूं तो मोर देन 2.5 मिलियन बेनिफिशरीज को हमने रीच किया है थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन, जो अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन चली थी। इस प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन था बहुत ही इफ़ेक्टिव था और इसका बहुत इम्पैक्टफुल रहा है ये प्रोजेक्ट, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर के तौर पे साबित हुआ है। सिलाई सेंटर तो हम लोग पगार दड़ा रहे 5,000 रुपये महीने, हमारा आदमी भेड़े घर आलाऊँ आया हूँ बाद पसा हमारे पाड़ा में छोकरी को तालीम सीखे कोई हुनर करे तमाम जरूरी है। ये जो एवरी वॉइस काउंट है इससे मुझे एक नई आवाज़ मिली है जो कि मैं इससे सही इस्तेमाल करना चाहती हूँ अपने गाँव की औरतों के लिए, बच्चियों के लिए और इस पूरे उमरकोट ज़िले के लिए। हवा मारू भी एक आवाज़।